A very good morning, students. How are you? Today, we are going to start our new chapter, chapter number 12. The name of the chapter is Mumbai. In this chapter, we learn about the uh, different uh, things about Mumbai the climate of Mumbai, places of interest, food, and language of Mumbai, traveling in the city. Look at the picture. This is the picture of Mumbai city. मरीन ड्राइव इज़ लोकेटेड इन मुंबई मरीन ड्राइव एक जगह है जो कहाँ पर है मुंबई में ठीक है सो लेट स्टार्ट मुंबई इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र मुंबई जो है वो किसकी कैपिटल है महाराष्ट्र की इट वॉज़ अर्यर कॉल्ड बॉम्बे इसको पहले किस नाम से जाना जाता था बम्बे इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दैट फेसिज द अरेबियन सी ये कहाँ पर है इट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जो किसको फेस करता है अरेबियन सी को फेस करता है इट इज़ बिल्ट ऑन एन आर् पेल्गो ऑफ सेवन आइलैंड आर्की पेल्गो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड अलग अलग आइलैंड का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं आर्की पेल्गो ऑफ सेवन आईलैंड नेमनी बॉम्बे आइलैंड मेजोवन माहिम कोलाबा वॉर्ली एंड लिटिल कोलाबा ये जो है आइलैंड्स के नेम हैं नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट मुंबई हैज़ आ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट मुंबई का क्लाइमेट जो क्या है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट होता है ड्राई सा क्लाइमेट होता है द समर्स आर वॉम एंडूमिड एंड द विंटर्स आर प्लेजेंट जो समर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वॉम और क्या है ह्यूमिड है लेकिन जो विंटर है वो प्लेजेंट है मतलब गर्मियों में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है लेकिन जो सर्दियों में इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती है वो ठीक ठाक ही होती है सर्दी द सिटी इज़ द सिटी ऑल्सो इज़ प्लेस्ड विद मानसून रेंस हैवी फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर मुंबई जो है वो मेनली उसके मानसून से काफ़ी ज़्यादा फेमस है सो so, वो मॉनसून uh, में बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन आती रेन आती है जो कौन से मंथ से लेके आती है जून टू सितंबर के बीच बीच में क्या आता है मॉनसून आता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा हैवी रेन होती है ओके प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इसमें अलग अलग प्लेसेस के बारे में बताया गया है मुंबई हैज़ मैनी ब्यूटिफुल बीचेस मुंबई हैज़ मैनी ब्यूटिफुल बीचज बहुत अलग अलग सुंदर सुंदर बीचज हैं जूहू चौपाटी एंड वर्सोवा आर सम ऑफ द बीचज़ इन मुंबई जूहू हो गई चौपाटी हो गई वटसोवा हो गई ये बहु अलग अलग क्या है मुंबई की बीचज़ हैं मरीन ड्राइव इज़ आ फोर पॉइंट थ्री किलोमीटर लॉन्ग शी सी शेप्ड सिक्स लेन रोड अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ़ अरेबियन सी जो मरीन ड्राइव है वो मुंबई में काफ़ी फेमस है लोग आ, अलग अलग सिटी से आते हैं घूमने के लिए यहाँ पर मरीन ड्राइव जो है वो ब्रिटिश के टाइम का बना हुआ है तो ब्रिटिश ने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह मरीन ड्राइव बनाया हुआ बनाया था जो सिक्स पॉइंट थ्री किलोमीटर लंबा है और सी आ, सी शेप्ड में बना हुआ है सिक्स लेना रोड है जो अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ द अरेबियन सी एक साइड पर क्या है इसके अरेबियन uh, सी आ जाता है समुंदर आ जाता है समुंदर की साइड पे ये अरेब मरीन ड्राइव है द तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है वो uh, काफ़ी बड़ा uh, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है छत्रपति uh, शिवाजी टर्मिनस इज़ अ यूनेस्को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है एंड आ हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन इन मुंबई इट इज़ आ साइट टू बी होल्ड इट सर्वज एज द हेड क्वार्टर्स ऑफ द सेंट्रल रेलवेज ये यहाँ पर क्या है सेंट्रल रेलवेज केडक्वाटर सेंट्रल रेलवेज का जो हैडक्वाटर्स है वो कहाँ हैं छत्रपति शिवाजी मुंबई में द गेट वे ऑफ इंडिया इज़ अ स्ट्रक्चर बिल्ट ट्यूरिंग द ब्रिटिश रीज़न जो द गेट वे ऑफ इंडिया है ये किसके टाइम पे बना था ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे बना था अब जब जितने भी हमने सिटीज़ के बारे में पढ़ा हुआ आपको पता है जैसे ब्रिटिश ने अंग्रेजों ने हम पे 200 साल तक राज किया था उनके अंडर रहे थे सो so मोस्टली जो भी जो काफ़ी काफ़ी पुराने बने हुई हैं घूमने के लिए अलग अलग प्लेसेस वो मोस्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही बनाई हुई हैं इट इज़ लोकेटेड इन द वॉटर फ्रंट इन साउथ मुंबई ये कहाँ पर है साउथ मुंबई की साइड में है द गेट वे वॉज ऑल्सो रेफर टू एज द ताजमहल ऑफ मुंबई एंड वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सिटी ये किसको रेफर करता है ताजमहल ऑफ मुंबई एंड वन ऑफ द टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ द सिटी ताजमहल जो ताजमहल जो होटल है जो मुंबई का काफ़ी फेमस होटल है और टूरिस्ट तुर, अट्रैक्शन है मुंबई का अलग अलग सिटी से अलग अलग कंट्री से यहाँ पर मुंबई में घूमने आते हैं इट इज़ द्लेस फर दाइस एंड गवर्नर यूज टू लैंड अपॉन देअर अराइवल इन इंडिया इतना फेमस है ये इट वॉज बुलेट टू कैमरेट कैमरेट द विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी टू मुंबई ये किसकी याद में बनाया गया था किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी टू मुंबई ओके इनकी याद में ये बनाया गया था गेट वे ऑफ इंडिया मरीन ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड द क्वीन्स नेकलेस मरीन ड्राइव को क्वींस का नेकलेस भी बोला जाता है थैंक यू